भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच केप टाउन में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गिराल कॉर्डे टीम से बाहर हो गए हैं। वो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 जनवरी से खेले जाने वाले मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। गिराल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में दिक्कत का सामना कर रहे थे, लिहाजा वो दूसरे मुकाबले तक फिट नहीं हो सकेंगे। खिलाड़ी को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन में खेला गया था। इस मुकाबले में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अफ्रीका के तेज गेंदबाज गिराल कॉर्डे इस मैच में पेल्विक सूजन की वजह से परेशान चल रहे थे। इस मुकाबले के बाद दिक्कत का खुलासा हुआ, इसे बोर्ड ने गंभीरता से लेते हुए स्कैन के लिए भेजा है। साउथ अफ्रीका ने कॉर्डे की जगह अभी तक किसी दूसरे खिलाड़ी के नाम का ऐलान नहीं किया है। सेंचुरियन टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को 1 पारी और 32 रनों से हराया था। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में भी 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस पहले मैच में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार रही थी, लेकिन अब अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के लिए गिराल कॉर्डे उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में साउथ अफ्रीका प्लेइंग 11 में उनकी जगह किसको खिलाएगी, इसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को। Oh, 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 oh